12 जनवरी विश्व युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन स्वामी विवेकानंद की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। इस दिन विवेकानंद की प्रतिमा पर लोग माल्यार्पण करते हैं और उनके द्वारा उठो जागो और तब तक काम करते रहो जब तक फल प्राप्त ना हो को लोग याद करते हैं। इसी क्रम में हम आज पहुँचे हैं रांची के बड़ा तालाब के रूप में जाने जाने वाला तालाब जहाँ विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा पिछले वर्ष लगाई गई थी। आइए जानते क्या कुछ खास है यहाँ। हमारे झारखंड न्यूज़ में सभी दर्शकों को जोहार। आज हम आए हुए हैं रांची के बड़ा तालाब जहाँ पे विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा लगाई गई है और कल विश्व युवा दिवस है। इस दिन लोग यहाँ आएंगे और विवेकानंद के दर्शन करेंगे। इसके लिए खास व्यवस्था की गई है, साफ सफाई का व्यवस्था किया गया है और रामकृष्ण मिशन के द्वारा जो इसकी रख रखाव और देख देखभाल की जो जिम्मेदारी ली गई थी वो पूरी तरह से देखा जा रहा है कि साफ़ सफाई तो हो गई है, लेकिन जो बोटिंग चलाने की सिस्टम थी और जो यहाँ पे विवेकानंद की स्टॉल लगाने वाले थे वो सब अभी नहीं लगा है और एक साल हो गया है। और दर जो भी इस पे जो बजट आया था बजट के अनुसार जैसा कि काम होना चाहिए वैसा काम यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तालाब के पानी में साइबेरियन पक्षी या प्रवासी पक्षी जो आए हैं ये विचरण कर रहे हैं और इनका ये अटखेलियाँ देखना लोगों के लिए एक अलग ही सुखद अनुभव दे रहा है। इनकी चहचहाहट लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और इसको देखने हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ आएंगे और इसकी इन पक्षियों के द्वारा जो अटखेलियाँ की जा रही है उसको निहारेंगे। आप यह जो देख रहे हैं यह साइबेरियन पक्षी है और बड़े तालाब में अपने ठंड के समय में आते हैं और यहाँ विचरण करते हैं। के लिए साफ सफाई अगर देखा जाए तो साफ सफाई की पूरी व्यवस्था की गई है, साथ ही सुरक्षा की भी व्यवस्था रहती है। और हमने पिछले साल कहा था कि यहाँ पे आने वाले लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं होंगी जो कि देखने में लग रहा है कि अभी कोई सुविधा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ती जा रही है और लोगों की सुविधाओं के लिए यहाँ पे कैसे बोट चलेगा। और सौंदर्यीकरण में ये चार चांद लगाने वाले जो बोटिंग सिस्टम होने वाली थी वो खलल डाल रही है। साफ़ सफाई का कार्यक्रम जोर शोर से चल रहा है और अधिकारीगण इसकी निरीक्षण कर रहे हैं क्योंकि कल युवा दिवस के अवसर पर यहाँ हज़ारों की संख्या में लोगों के आने की संभावना है, साथ ही सीएम भी यहाँ पे पधारेंगे।